दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आपको मालूम है रोड एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह क्या है? दोस्तों क्या आपको पता है हमारे देश में सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या चाइना में सड़क दुर्घटना से मरने वाले लोगों की संख्या से दुगुनी है, जबकि चाइना की जनसंख्या हमारे देश से काफी ज्यादा है। साथ ही साथ जब बात आतंकवादी दुर्घटनाओं की आती है तो हम इससे बड़ा परेशान रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि साल भर में आतंकवादी हमले से मरने वाले लोगों की संख्या से 4 गुना ज्यादा लोग एक दिन में सड़क दुर्घटना के कारण मारे जाते हैं, जिससे आप ये समझ गए होंगे कि बाहर के देश के आतंकवादी से ज्यादा हमारे देश की सड़कों पर चल रहे लोग एक दूसरे को मारने में लगे। अब इस दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है और कैसे हम और आप इस तरह की दुर्घटना से बच सकते हैं, इस बारे में आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक पिछले 27 सालों में जितने लोग आतंकवादी घटनाओं से मारे गए उससे 3 गुना ज्यादा व्यक्ति हर साल सड़क दुर्घटना से मारा जाता है। यानी कि ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इसी गंभीरता को और अच्छे से समझने के लिए हम आपको साफ तौर पर बता दें कि हमारे देश में लगभग 5 लाख एक्सीडेंट्स हर साल होते हैं और उन 5 लाख एक्सीडेंट्स में से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। और अगर हम सड़क दुर्घटनाओं की बात करें तो 84% रोड एक्सीडेंट का कारण ड्राइवर की लापरवाही होती है। और अगर हम दूसरे अहम कारण की बात करें तो लगभग 14% रोड एक्सीडेंट का कारण ओवरलोडेड वाहन होते हैं, यानी कि क्षमता से अधिक यात्रियों को ढोना या फिर क्षमता से अधिक सामान को ढोने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। और दोस्तों तीसरा बड़ा कारण होता है हमारे वाहनों की कंडीशन का खराब होना, क्योंकि जब गाड़ियां खराब होती है तो वो ठीक से काम नहीं करती, जिस वजह से रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसके अलावा अगर हम चौथे बड़े कारण की बात करें तो वो है सड़कों का खराब होना, क्योंकि ये भी एक अहम कारण है जिसकी वजह से लोग डिसबैलेंस्ड हो जाते हैं और सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि सबसे बड़ा कारण सड़क दुर्घटना का और कुछ नहीं बल्कि ड्राइवर की लापरवाही भी है। अब आप बोलेंगे भला इस चीज में कोई क्या कर सकता है, और यहीं पर हम गलती करते हैं, क्योंकि हमेशा हम सामने वाले की गलती ठहरा कर अपने आप को साफ सुथरा साबित करने में लगे रहते हैं। लेकिन शायद आप ये भूल जाते हैं कि आप भी जब कोई वाहन चला रहे होते हैं तो आप भी एक ड्राइवर होते हैं। ऐसे में अगर हम ड्राइवर की सबसे बड़ी गलतियों के बारे में बात करें तो वो है ओवर स्पीडिंग, क्योंकि कई सारे लोग तेज गाड़ी चलाते हैं और इसी वजह से 61% रोड एक्सीडेंट तो केवल ओवर स्पीडिंग की वजह से हो जाते हैं। यानी कि करीब 74,000 आदमी हर साल तेज गाड़ी चलाने के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं। अगर हम इस विषय को थोड़ा और गंभीरता से सोचें तो जब हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी वाहन चला रहे होते हैं और सामने वाला वाहन भी उसी स्पीड से आ रहा होता है, तो अगर दोनों वाहन आपस में टकरा गए तो उससे जो नुकसान होगा वो नुकसान लगभग 5वीं मंजिल से गिरने वाले झटके के बराबर होगा। इसलिए रोड एक्सीडेंट से बचने के लिए सबसे पहले तो अपनी स्पीड को काबू में करना सीखिए, क्योंकि अगर आपने इसे काबू में नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और लोगों को इस चीज के बारे में बताने के लिए कई जगहों पर स्पीड बोर्ड भी लगे होते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि किस रोड पर कितनी स्पीड में गाड़ी चलाना सुरक्षित होता है। अगर हम दूसरे ड्राइवर की गलती की बात करें तो वो है ओवरटेक करना, क्योंकि अक्सर लोग जगह न होने पर भी ओवरटेक करके गाड़ी को आगे बढ़ाने की सोचते हैं ताकि वो जल्द से जल्द अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। लेकिन कई बार अपनी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी ही उन्हें रास्ते में ही दुर्घटना का शिकार बना देती है। और अगर आपको भी इसी तरह की दुर्घटना से बचना है तो कभी भी जल्दी में बिना रास्ते के रास्ता निकालने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप लोगों ने कई सारी गाड़ियों के पीछे ये लिखा हुआ पड़ा होगा कि दुर्घटना से देरी भली, जो कि बिल्कुल सही भी है। इसलिए दुर्घटना से बचना है तो देरी से पहुंच जाइए। ज्यादा से ज्यादा आपको किसी की 4 बातें ही सुननी पड़ेंगी ना, लेकिन जिंदगी भर पछताने से तो अच्छा है किसी की 4 बातें ही सुन लो। अब ड्राइवर की लापरवाही से होने वाले एक्सीडेंट का तीसरा सबसे बड़ा कारण है शराब और ड्रग्स का सेवन, जिसमें कई सारे अमीर ज्यादे नशे में चूर होकर गाड़ी चलाते हैं और उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो किस रास्ते पर जा रहे हैं, जिस कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है और अपने साथ साथ वो सामने वाले को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा देते हैं। इसी वजह से ये सख्त कानून है कि कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे सजा मिलनी जरूरी है।
क्योंकि ये न सिर्फ उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है बल्कि सामने वाले की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। एक और लापरवाही की बात करते हैं जो अक्सर लोग आजकल करने लगे हैं, वो है मोबाइल फोन का प्रयोग। जी हाँ, कई सारे लोग रास्ते में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें लगता है कि वो बैलेंस बना लेंगे, लेकिन बातों में इतना ज्यादा लीन हो जाने के कारण कई सारे लोग पीछे से आ रही गाड़ी की या तो आवाज ही नहीं सुन पाते या फिर आगे से आ रही गाड़ी को समझ नहीं पाते और इसी कारण इन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए ये बात तो बहुत ही अहम है कि अगर आप रास्ते में कोई वाहन चला रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा अपना ध्यान रोड पर रखो और किसी भी तरह का कोई भी फोन कॉल उठाना हो तो उसे वाहन को वहीं पर रोक लीजिए जिससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बचा सकते हैं। बाकी इस तरह के आंकड़ों को जानने के बाद आपको इस समझ में आ गया होगा कि भले ही सामने से आ रहा वाहन कितना भी तेज क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप अपने आप को संभाल कर रखेंगे और अपना पूरा फोकस रास्ते पर रखेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा ट्रैफिक रूल्स मानिए और जो लोग ना माने उनको भी एक बार समझाइए। अगर फिर भी नहीं समझते हैं तो सड़क पर इस तरह के लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर चलिए जो आपके लिए काफी ज्यादा कारगर होगा। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस बात को पहुंचाने के लिए इसे अपने सभी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर देना। इसके अलावा इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।